हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, मलंग फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दिस मूवी स्टार्स आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर एंड दिशा पटानी। और मेरे साथ इस वक्त मेरे वाइज मैन बॉबी जी, जिन्होंने देखा है ये ट्रेलर और वो हमको बताएंगे उनको ये ट्रेलर कैसे लगा। बॉबी जी, वेलकम टू बॉलीवुड वाला। मलंग का ट्रेलर कैसे लगा आपको? अरे, मलंग का ट्रेलर देख के मैं पलंग से नीचे गिर गया। द मूव ट्रेलर इज अ मिक्सचर ऑफ रोहन सिप्पी, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण की पिक्चर आई थी दम मारो दम, फिर संजय गुप्ता की पिक्चर आई थी अनिल कपूर आदित्य पंचोली मुसाफिर, और एक अमित जी, संजय दत्त, राम गोपाल वर्मा की पिक्चर डिपार्टमेंट। तो ये सब पिक्चर का मिक्सचर लग रहा है। क्या बात कर रहे हो, टोटल कपड़ा कर दिया है। मतलब एवरेज में प्रोमो में समझ में नहीं आ रहा क्या है, लोग इसकी जान ले रहा है, उसकी जान लेने में मज़ा आ रहा है, क्या ये कर रहे हैं मतलब। और मोहित सूरी जो पिक्चर के डायरेक्टर है, जो मेकर्स है पिक्चर के, उन्होंने सब यही हर पिक्चर में, उनकी हर पिक्चर में यही रहता है, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ आशिकी 2 एंड एक विलन, मतलब यही दो पिक्चर पे वो लोग, ये दो पिक्चर एक कंधे पे बंदूक रख के वो लोग दूसरी फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत बात है। और बाकी जो मोहित सूरी 10-12 फ्लॉप फिल्में बने उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, ऑडियंस को पता भी नहीं कि 10-12 फिल्में आवारापन, फिर राज रिबॉट, क्रूक, कितनी सारी फिल्में जो पुश हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे, किसी को पता ही नहीं। तो ये दो ही पिक्चर के नाम आते हैं हमेशा, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ एक विलन और आशिकी 2। तो द प्रोमो इज बिलो एवरेज। मतलब ऐसा व्हाट डिडंट वर्क फॉर यू इन द ट्रेलर? बोले सब मिक्सचर दिखा रहे, मिक्सचर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। पूरे पिक्चर का जो हीरो आदित्य रॉय कपूर, उसने बॉडी अच्छी बनाई लेकिन वो एक्शन हीरो लग ही नहीं रहे। क्या बात कर रहे हो बाबू जी, एक्शन हीरो लगने के लिए बॉडी की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 70s 80s में अमिताभ बच्चन वॉज द बिगेस्ट एक्शन हीरो, क्या उनकी क्या बॉडी थी? साउथ में रजनीकांत एक्शन हीरो, उनकी क्या बॉडी है? विनोद खन्ना हैड अ गुड बॉडी व्हेन ही वाज एक्शन हीरो, सुनील दत्त बिगेस्ट एक्शन ऑफ हिज टाइम, उनकी भी क्या बॉडी थी? अजय देवगन मैंने फुलर काटे आई तब उनकी बॉडी नहीं थी। अक्षय कुमार फिट आदमी, 6 pack 8 pack नहीं, दे आर द रियल एक्शन हीरोज। बॉडी का सिलसिला सिर्फ देवल फैमिली ने शुरू किया था, धर्मेंद्र, सनी देवल, उन्होंने ये सब शुरू किया था, बॉडी 8 pack 6 pack, तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो एक्शन हीरो बनने के लिए 8 pack का जरूरत नहीं है, वो गुस्सा होना चाहिए, आंखों में वो एंगर होना चाहिए, तो ही वो सीन बराबर आएगा। Okay. तो फिर मज़ा नहीं आएगा उस सीन में। तो आदित्य रॉय कपूर ने बॉडी अच्छी बनाई लेकिन उनके चेहरे पे गुस्सा है ही नहीं, वो जो सनी देओल है, अजय देवगन है, सलमान खान की आंखों में जो गुस्सा आता है। अभी टाइगर श्रॉफ की बॉडी तो 8 pack है लेकिन उनके आंखों में वो गुस्सा ऐसा आता है कि ऑडियंस को मज़ा आता है देखने का। तो बॉडी के साथ वो गुस्सा भी होना चाहिए जो आदित्य रॉय कपूर में नहीं है, वो तो मिसिंग है, वो मिसिंग है। ओके, दिशा पटानी कैसे लगी? शी इज सिंपली सुपर गॉर्जियस इज लुकिंग, बहुत खूबसूरत लग रही है। डायलॉग्स बहुत कम दिए उनको लेकिन काफ़ी अच्छी दिख रही है। पूरे ट्रेलर में सबसे अच्छा दिशा पाटनी ही है। ओके, सुपर। वो जो शॉट कैसे था, सी से निकल के आती है पानी से, सुपर, मतलब तो बहुत अच्छी तरह से उनको प्रेजेंट किया है मोहित सूरी ने। ओके, दिशा पाटनी को। ओके, तो मतलब वो ऑडियंस तो दिशा पाटनी में खुश हो जाएगी, तालियां बजेगी इधर गेटी पे। अरे, उनके एंट्री पे सीटियां बहुत बजेगी पक्का। अनिल कपूर ओके है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वो मुसाफिर में जब मुसाफिर सब पिक्चर का मिक्सर लग रहा है, तो मुझे तो पिक्चर का प्रोमो बिलो एवरेज लगा। देखते हैं अभी पिक्चर चलती है या नहीं चलती, वो देखते हैं। हालांकि मलंग का प्रोमो देखे तो मैं तो पलंग से नीचे गिर गया, तो आई डिडंट लाइक द प्रोमो। लेट्स होप 7th of February पिक्चर के इसे देखते हैं। ओके, चलिए, जाने से पहले आउट ऑफ 5 कितना स्टार्स देंगे आप प्रोमो को? 1 star, आई डिडंट लाइक द प्रोमो, बट फॉर दिशा पाटनी 5 star बिकॉज शी इज सुपर गॉर्जियस। ओके, ऑलराइट, देयर यू हर्ड फ्रॉम बॉबी जी व्हाट ही थिंक्स अबाउट मलंग। वी विल बी बैक विद द रिव्यू ऑफ दिस फिल्म व्हेन इट रिलीजेस ऑल अक्रॉस इंडिया। फॉर द मोमेंट दिस इज सोनू साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड वाला। बाय बाय।